एपिसोड 441, किसका हाथ है। चेरी ने जब पूछा कि कोई परेशानी की बात तो नहीं, तब छलावा ने कहा, पता नहीं चेरी परेशानी है या नहीं है, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम चीजों को जितने सुलझा हुआ समझ रहे हैं उतनी है नहीं। एक बात बताओ चेरी, क्या ऐसा संभव है कि हमारे लोग हमें नुकसान पहुंचाएं? क्या हमारे लोगों से हमें खतरा हो और हम इस बारे में ना जानते हो? हमें सतर्क रहने की जरूरत है, चेरी हैरानी से बोली। ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें कोई डाल रहा है तो वो तुम्हें उलझाने के लिए डाल रहा है, तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। हमारी टीम स्ट्रांग बनती जा रही है और ऐसे में कोई अगर इस तरीके की चीजें करे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। हमें एक दूसरे से तोड़ने के लिए कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना छलावा, किसी की बातों में नहीं आना है। हम अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर बहक नहीं सकते। छलावा समझ नहीं पाया कि वो चेरी को अपनी बातें कैसे समझाए, लेकिन इससे पहले कि छलावा कुछ कहता, चेरी ने छलावा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या बात है छलावा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, कोई बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है। सब ठीक तो है ना? कहीं किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? कहीं ध्रुव? हाँ, 100% ध्रुव ने कुछ कहा होगा। वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वो समझ रहा है कि हमारी टीम स्ट्रांग हो रही है और अब उसकी एक नहीं चलने वाली है, तो वो अब तुम्हें बहका रहा है ताकि तुम अपने लोगों का साथ छोड़ दो और एक बार फिर उन लोगों के साथ जाकर मिल जाओ। भूलना मत छलावा, कोई किसी का नहीं होता, हर कोई सिर्फ अपनों के लिए लड़ता है। ध्रुव अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहा है, और हम अपने लोगों के लिए, हम हमारा साम्राज्य कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। छलावा ने तुरंत चेरी को रोकते हुए कहा, नहीं चेरी, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्रुव से तो मेरी कोई बात भी नहीं हुई है, इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। चेरी ने कहा, तो फिर क्या बात है, तुम इस तरीके से परेशान क्यों हो और इतनी उलझन क्यों है तुम्हारे मन में अपनों के ही लिए? छलावा ने कहा, पता नहीं, दरअसल यूं ही दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना सही है क्या नहीं, इसलिए मैंने तुमसे ये बात की। चेरी घर की तरफ देखती हुई बोली, ये सारा इम्पैक्ट इस घर का हो सकता है। तुम्हें पता है हम जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है। इस घर में तुम जिसके साथ रहते थे, अभी भी यहाँ पर उसकी एनर्जी तुम फील कर सकते हो, उसकी सोच, उसकी बातों से तुम निकलकर बाहर नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगी हैं। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम अब तक जहाँ पर रह रहे थे वहीं चले जाओ और वहीं रहो, यहाँ पर रहने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। छलावा बस चेरी की बात सुनता रहा, उसने पूरन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तभी चेरी के मोबाइल पर कॉल आया, उसने फोन के स्क्रीन की तरफ देखा और बोली, सुमेर का कॉल है, जरूर ये पूछने के लिए आया होगा कि मैं पहुंची या नहीं। और फिर उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से बात सुनकर चेरी बोली, हाँ मैं आ गई हूँ, मैं छलावा के साथ हूँ, थोड़ी देर में हवेली पहुंच रही हूँ। उसके बाद चेरी ने छलावा से कहा, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ हवेली चलो। छलावा बोला, इस वक्त? और तुम्हें भी हवेली क्यों जाना है, तुम्हें वहां रहना है क्या? चेरी बोली, मैं माँ के आसपास रहना चाहती हूँ। छलावा बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़कर चलाऊंगा। चेरी ने हाँ में सिर हिलाया। छलावा बाहर निकला, उसने चेरी का बैग उठाया और हवेली की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते दोनों चुप थे, बीच बीच में चेरी अपने बारे में हल्की फुल्की बातें करती जा रही थी, छलावा बस सुनता जा रहा था। अचानक चलते हुए छलावा ने एकदम से पूछ लिया, तुम सुमेर के बारे में क्या सोचती हो? चेरी के बढ़ते कदम थम गए और उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? छलावा बोला, जिस तरीके से तुम सुमेर के लिए यहाँ आई थी और बाकी की सारी चीजें हैं, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ कि अब तुम सुमेर के बारे में क्या सोचती हो, कि अभी भी तुम अपने और सुमेर के बीच कोई भविष्य देख रही हो? देखो चेरी, तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज का मुझे पता हो, ताकि कल को कोई तुम्हें तकलीफ न दे। एक बार पहले भी सुमेर ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम दोबारा उसी तकलीफ से गुजरो। अगर तुम माँ के लिए वहाँ रहना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कहीं पर भी सुमेर को लेकर कोई भी नरम जगह है जिसकी वजह से तुम वहाँ रह रही हो और तुम्हें लगता है कि शायद तुम सुमेर को पा सकती हो, तो मैं तुमसे यही बोलूंगा कि ये जिद खत्म कर दो, क्योंकि इससे तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे बहुत दुख होगा तुम्हें किसी भी तरीके की तकलीफ में देखकर। छलावा की बात पर चेरी मुस्कुराती हुई बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरा छोटा भाई इतनी समझदारी से भरी हुई बातें कर रहा है, वो मुझे समझा रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो। नहीं छलावा, मेरा सुमेर के साथ अब किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, इस तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरा मकसद साफ है और मैं उसी के लिए वहाँ जा रही हूँ और वहाँ रहूंगी भी। सुमेर की तरफ से मेरे मन में अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है और ना अब कभी हो सकता है। छलावा सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर रह गया। थोड़ी ही देर में दोनों हवेली पहुंच चुके थे।
हवेली पहुंचकर पता चला कि सुमेर हवेली में नहीं है, इसीलिए दोनों बैठक में ही सुमेर का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुमेर के जीप की आवाज आई। चेरी छलावा के साथ उठकर बाहर की तरफ आई तो उसने देखा कि सुमेर किसी नौकर से चेरी के बारे में ही पूछ रहा था। इतने में उसकी नजर चेरी पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए चेरी की तरफ बढ़ा और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चेरी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। सुमेर एक सेकंड के लिए रुका और फिर उससे हाथ मिलाकर बोला, कम ऑन चेरी, हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे के गले लग सकते हैं। चेरी बड़े ही सपाट लहजे में बोली, हम दोस्त जरूर हैं सुमेर, लेकिन इतने करीबी भी नहीं कि गले मिले। चेरी की बात सुनकर सुमेर का चेहरा एक सेकंड के लिए तो उतरा, लेकिन वो फिर तुरंत नॉर्मल बनता हुआ बोला, चलो जैसा तुम कहो, आओ बैठकर बात करते हैं। सुमेर चेरी को लेकर वापस बैठक में चला गया और चेरी ने बैठते हुए पूछा, तो बताओ सुमेर क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुमेर ने कहा, मैंने तुम्हें जिसके लिए बुलाया है वो बात बताई नहीं जा सकती, यहाँ रहते हुए तुम खुद महसूस करोगी, थोड़ा सा वक्त दो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चेरी को सुमेर की बात समझ नहीं आई और वो जैसे ही कुछ पूछने को हुई कि तभी सुमेर चेरी की तरफ से अपना ध्यान हटाता हुआ छलावा से बोला, छलावा तुम यहाँ हो तो फिर उस आदमी के पास कौन है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो आदमी बहुत जरूरी है, अगर तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारे पीठ पीछे वो भाग गया तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो एक बार भाग गया तो दोबारा तुम्हारे हाथ लगेगा? उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए हैं, किसी भी हालत में वो मुझे चाहिए सही सलामत, देखना वो भागने ना पाए, जब तक कि मैं उससे नहीं मिलता तब तक उसका पूरा ध्यान रखना। सुमेर की बात पर छलावा कुछ बोलता उससे पहले ही चेरी हैरानी से बोली, किसकी बात हो रही है यहाँ, कौन सा आदमी है? छलावा ये सुमेर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर पर तो कोई आदमी नहीं था तो फिर ये किसके बारे में बात कर रहा है, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि तुमने उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। सुमेर हैरानी से बोला, वो तुम्हारे घर पर नहीं है? चेरी क्या बोल रही है, वो तुम्हारे घर पर नहीं है तो कहाँ है वो? छलावा बड़े ही सामान्य तरीके से बोला, हाँ वो मेरे नए वाले घर पर है जहाँ आजकल मैं रह रहा था, वो गाँव से दूर है इसलिए मैंने उसे वहीं रखा था, और मैं अभी अपने पुराने वाले घर पर हूँ, बाबा के घर पर, दरअसल मैंने उसे अपने साथ नहीं रखा, मैं नहीं चाहता था कि ध्रुव या उसके दोस्तों को किसी भी तरीके का कुछ पता चले क्योंकि वो लोग भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बाबा के घर पर आकर रहने लगा ताकि मेरे पुराने वाले घर की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, अगर वो लोग मुझ पर नजर रखने की भी कोशिश करे तो बाबा के घर तक ही नजर रखें और वहां तो मैं अकेला हूँ। सुमेर बोला, वो सब तो ठीक है छलावा, लेकिन अगर वो भाग गया तो? छलावा बोला, नहीं वो नहीं भागेगा, मैंने बहुत अच्छे से उस पर पहरा लगाया हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। इतना कहकर छलावा चुप हो गया। एक तरफ जहां छलावा चेरी के साथ हवेली पहुंच चुका था तो सुमेर को चिंता थी कि बस उस आदमी की, कहीं वो छलावा की कैद से आजाद ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ विकी के घर में बाकी सब गहरी नींद में सो चुके थे सिवाय ध्रुव के। ध्रुव बाहर बरामदे के तख्त पर लेटा छत की तरफ एकटक देखता हुआ अपनी सोच में गुम था। तभी उसे लगा जैसे किसी की कराहती हुई सी आवाज आई है। पहले ध्रुव को लगा कि उसका वहम है, लेकिन वही आवाज दोबारा आई। ध्रुव ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कहीं कोई नजर नहीं आया और एक बार फिर वो लेट गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ध्रुव चारों तरफ ध्यान से देखता हुआ दरवाजे के पास गया और महसूस करने की कोशिश करने लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिससे कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता। तभी दोबारा दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। कुछ सेकंड के बाद ही ध्रुव ने दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था और ना ही ध्रुव को ऐसे किसी भी हवा का एहसास हुआ जिससे ये महसूस हो कि कुछ गलत है। ध्रुव को ये सब कुछ बड़ा अजीब लगा। उसने घर का दरवाजा वापस बंद किया। अभी वो बैठा ही था कि तारा के चीखने की आवाज आई। तारा की चीख इतनी तेज थी कि कमरे में सोया विकी भी उठकर बैठ गया। अनन्या तारा के कमरे में थी और उससे पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या, वो क्यों चीख रही है। ध्रुव और विकी जब कमरे में गए तो उन्होंने देखा तारा खिड़की की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है कि दूसरी तरफ कोई है। तारा की बात सुनते ही विकी खिड़की के पास गया और ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और फ्लैश के थ्रू भी बाहर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहले की तरह ही अभी भी उसे कोई नजर नहीं आया। विकी बोला, बाहर कोई भी नहीं है तारा, और तुम खिड़की पर क्या कर रही थी? यही सवाल अनन्या का था। अनन्या बोली, तुम तो सोई हुई थी तारा, तो अचानक उठ क्यों गई? तारा बोली, मुझे किसी की आवाज सुनाई थी, मुझे लगा जैसे कोई कराह रहा है और मेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन जब 2-3 बार यही हुआ तो मेरी नींद खुल गई, किसी का हाथ महसूस हुआ खिड़की पर और मैं डर से चीख पड़ी। विकी और ध्रुव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विकी ने देखा कि ध्रुव कुछ सोच रहा है। विकी बोला, क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है, बता ना तारा को क्या हुआ, ऐसा क्यों लगा उसे? ध्रुव ने कहा, सिर्फ तारा को ही नहीं, ये चीज मुझे भी महसूस हुई है, जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। ये सुनकर तारा और घबरा गई।
तारा के साथ साथ अनन्या भी घबरा गई। उसने कहा, अगर तुम्हारे साथ भी यही चीज हुई है तो मतलब जरूर कोई बात है, तारा का वहम नहीं है ये। तारा बोली, मैं कह रही हूं ना कोई था बाहर, तुम लोग बाहर जाकर देखो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई था। विकी बोला, तारा अगर कोई रहा भी होगा तो वो अब तक नहीं होगा, हो सकता है कोई हमें डराने के लिए इस तरह की चीजें कर रहा हो ताकि हम नर्वस हो जाएं। ध्रुव बोला, तारा बिल्कुल ठीक कह रही है विकी, हमें बाहर जाकर देखना होगा क्योंकि मुझे कुछ गलत का एहसास तो नहीं हो रहा, ना ही मुझे यहाँ कोई माया और छल का एहसास हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए। उसके बाद ध्रुव ने अनन्या से कहा, अनन्या तुम तारा का ध्यान रखो, मैं और विकी बाहर जाकर देखते हैं। लेकिन तारा बोली, नहीं मैं भी आऊंगी। विकी बोला, ये अजीब है, एक तरफ तुम्हें डर लग रहा है, दूसरी तरफ तुम बाहर आना चाहती हो। सच में कभी कभी लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनन्या ने इस बात पर चिढ़ते हुए कहा। अभी हम लड़कों और लड़की के बीच का कॉम्पिटिशन बाद में करें तो चलेगा, एक बार तारा की तसल्ली के लिए हम बाहर जाकर देख लेते हैं। ध्रुव बोला, ठीक है चलो। दरवाजे से होते हुए चारों घर से बाहर निकले, बड़े ध्यान से चारों तरफ देखते हुए उस कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे जो पीछे गौशाला की तरफ खुलती थी, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। पीछे पहुंचकर भी उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया और ध्रुव बोला, अजीब बात है, कहीं कोई दिख ही नहीं रहा। विकी चारों तरफ देखता हुआ बोला, किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, हमें कल ही यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तभी उसकी नजर घास के बीच में एक हाथ पर पड़ी जो बुरी तरीके से घायल थी। उसे देखते हुए विकी चीख पड़ा और बोला, ये क्या है? एपिसोड 442, ध्रुव का रौद्र रूप। विकी की आवाज पर सबकी नजर उस तरफ चली गई। उन्होंने देखा किसी का हाथ घास के ऊपर था, उस हाथ में बहुत सी चोट और खरोंच के निशान थे। तारा बोली, यही था वो हाथ जिसकी बात मैं कर रही थी। विकी बोला, अगर हाथ है तो कोई इंसान भी तो होगा। उन्होंने देखा वहीं घास के बीच में गड्ढा बना हुआ था जिसमें कोई गिरा हुआ था और उसका हाथ बाहर की तरफ था। ध्रुव और विकी तुरंत वहां पहुंचे और देखने की कोशिश करने लगे कि ये कौन है। अचानक ध्रुव बोला, ये तो भंवरी देवी जैसी है। ध्रुव की बात पर वहां मौजूद सब चौंक पड़े थे। ध्रुव और विकी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया और सीधा किया तो देखा वो वाकई में भंवरी देवी थी। वो जहां तहां से जख्मी थी और बहुत कमजोर लग रही थी। उनकी ये हालत देखकर सबके होश उड़े हुए थे। तारा घबराती हुई नजदीक आई और बोली, ये इनको क्या हो गया, ये हालत? ध्रुव बोला, सबसे पहले हम इन्हें अंदर लेकर चलते हैं, ये बहुत जख्मी है, इनके शरीर पर बहुत घाव भी लगे हुए हैं, हमें इनके घाव की ड्रेसिंग करनी होगी, उसके बाद इन्हें होश में लाने की कोशिश करनी होगी। विकी बोला, एक काम करें, हम इन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। ध्रुव ने कहा, पूरे पाली में कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ सिर्फ वैद्य जी हैं, वो भी गांव में होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। डॉक्टर के नाम पर हम इन्हें कस्बे के हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं जो कि दूर है, और इस वक्त हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भंवरी देवी की अगर ये हालत है तो जाहिर बात है किसी ने इनकी ये हालत की है। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इनके इस हालत के पीछे कौन है, तब तक हम इन्हें सरेआम नहीं घुमा सकते, हो सकता है इनकी जान को भी खतरा हो। विकी बोला, हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तारा ने कहा, तुम लोग अंदर भी चलोगे या यहीं खड़े खड़े बात करते रहोगे? विकी और ध्रुव तुरंत भंवरी देवी को लेकर घर के भीतर चले गए। घर के भीतर जाकर बाहर ही उन्होंने भंवरी देवी को तख्त पर लिटाया। अनन्या तुरंत जाकर फर्स्ट एड का बॉक्स ले आई, तब तक तारा पानी गर्म करके ले आई। दोनों ने मिलकर उनके सारे जख्म को क्लीन किया और उस पर मरहम पट्टी कर दी। तारा ने भंवरी देवी के बालों को समेटकर एक तरफ किया और उनके चेहरे को साफ करती हुई बोली, जिसने भी भंवरी देवी के साथ ये किया है बहुत गलत किया है। तब तक अनन्या उनके पैर के पास बैठकर उनके तलवे को हल्का हल्का सहला रही थी ताकि उनको होश में लाया जा सके। अचानक अनन्या की नजर भंवरी देवी के घाघरे पर गई जिसमें एक चमकती हुई चीज फंसी हुई थी। अनन्या ने बड़े ध्यान से उसे देखा और क्योंकि उनका पूरा घाघरा सादा था, उसमें कोई भी चमकती और तड़कती फड़कती चीज नहीं थी, तो जाहिर बात थी वो चीज उनके कपड़े का हिस्सा तो नहीं थी। अनन्या ने जैसे ही उसको हाथ में लिया वो खिंच गया। वो दिखने में एक छोटे से कान के बूंदे जैसा था। अनन्या उसे गौर से देखती हुई बोली, ये क्या चीज है? तब तक सबका ध्यान अनन्या की तरफ चला गया था। तारा ने तुरंत अनन्या के हाथ से उसे लिया और देखती हुई बोली, ये तो हीरे का लगता है, बहुत महंगा है, ये बूंदे इनके कपड़ों में कैसे? विकी उसे ध्यान से देखकर बोला, ये कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा। अनन्या ने कहा, इससे पहले कभी देखा है तूने? विकी अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ बोला, ये तो सुमेर का है।
ये सुनकर तारा अनन्या दोनों ही चौंक पड़ी और बोली, क्या सुमेर का? ऐसा कैसे हो सकता है? विकी ने कहा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आज तक सुमेर ने अपने दोनों कानों में बूंदे पहने हुए हैं, लेकिन उसके बाएं कान में दो बूंदे हैं, एक के ऊपर एक, और उनमें से ऊपर वाला जो था वो हीरे का था। ये वही है, मैंने सुमेर के कान में इसे देखा था। कब देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। आखिरी बार जब हम सुमेर से मिले थे तब उसके कान में था या नहीं, मुझे ये भी नहीं पक्का पता। लेकिन ये सुमेर का ही है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब पहली बार मैंने सुमेर के कान में देखा था तो मैंने उसकी तारीफ भी की थी और मन ही मन सुमेर का मजाक भी उड़ाया था कि लड़कियों की तरह इसने दो दो तीन तीन बूंदे पहन रखे हैं। विकी की बात पर तारा ध्रुव की तरफ देखती हुई बोली, ध्रुव, जैसा कि विकी कह रहा है, अगर वो सच है और ये वाकई में सुमेर का है, हालांकि ये भी संभव है कि एक जैसी चीजें कई लोगों के पास होती हैं, लेकिन ये भी तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि सुमेर और भंवरी देवी दोनों ही हमारे इतने नजदीक है और भंवरी देवी के पास से सुमेर का ये सामान मिला है, तो भी कैसे पॉसिबल है? मेरा मतलब है, भंवरी देवी तो गिरपुर में थी, हालांकि वो माई के कब्जे में थी और तुमने कहा था कि तुमने उनके आजाद होने का इंतजाम कर दिया है, उसके बाद ही हम पाली के लिए निकले थे, तो वो माई के पास से सुमेर के पास कैसे पहुंची होगी? और अगर ये मानकर चलो कि सुमेर के पास पहुंच भी गई तो उनकी इस हालत में सुमेर का क्या लेना देना, सुमेर को क्या फायदा मिला होगा? ध्रुव, जो कि एकटक भंवरी देवी को देख रहा था, उसने भंवरी देवी के सिर से उनके एक बाल को तोड़ा और अपने हाथ में लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड के बाद उसने अपनी आंखें खोली और बोला, हमने बंजारन के अंश को भंवरी देवी में स्थानांतरित किया था, वो अंश अब इनके भीतर नहीं है। ये सुनकर विकी बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव बड़ी शांति से बोला, और इतना ही नहीं बल्कि भंवरी देवी के भीतर अब किसी भी तरीके की कोई भी अलग ऊर्जा नहीं है, इनके भीतर सामान्य इंसानों की तरह ही ऊर्जा और चेतना है। कहने का मतलब ये है कि इनकी तमाम शक्तियां, साधनाएं, सब कुछ जैसे इनके भीतर से खींचकर निकाल ली गई हैं। ध्रुव की बात से तारा और अनन्या की आंखों में डर और घबराहट दिख रहा था। अनन्या घबराती हुई बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ ध्रुव, लेकिन इन सब का मतलब तो यही हुआ ना कि ये सब कुछ माई ने किया है। ध्रुव इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं नहीं अनन्या, ये सब कुछ माई ने नहीं किया है, बल्कि भंवरी देवी के भीतर बंजारन का अंश था और बंजारन से सामना होते के साथ ही उसका अंश उसमें समाहित हो जाता, और क्योंकि बंजारन बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा का रूप है, उसका अंश भीतर ही भीतर भंवरी देवी की ताकतों को भी सोखने लगा था। उसने भंवरी देवी की समस्त ऊर्जाओं को सोख लिया था और बंजारन के अंश के साथ साथ भंवरी देवी की ताकतें भी बंजारन के भीतर चली गई है। इन सब में सिर्फ माई का हाथ नहीं है, बल्कि माई सिर्फ भंवरी देवी को यहाँ तक लेकर आई है। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने इन्हें मुक्त करने का मार्ग बना दिया था, लेकिन हो सकता है ये मुक्त हो ना पाई और दुश्मनों के जाल में फंस गई है। पूरी हकीकत तो ये होश में आने के बाद ही बता पाएगी, हमें सबसे पहले इन्हें होश में लेकर आना होगा। तारा तुरंत ठंडा पानी लेकर आई और धीरे धीरे भंवरी देवी के चेहरे पर छींटा देने लगी। कुछ देर के बाद भंवरी देवी के शरीर में हलचल सी हुई और धीरे धीरे करके उनकी आंखों में हरकत होनी शुरू हुई, लेकिन उनकी आंखें खोलने में काफी वक्त बीत चुका था। उनकी आंखें जैसे ही खुली, वो कराहती हुई आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? ध्रुव ने कहा, आप सुरक्षित हैं और हमारे साथ हैं। मैं ध्रुव। ध्रुव का नाम सुनकर भंवरी देवी को थोड़ा सुकून मिला और वो कमजोर आवाज में बोली, मैं कब से कोशिश कर रही थी तुम्हें आवाज देने की, शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ध्रुव ने कहा, आप फिक्र मत करिए, अब सब ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। इस बात पर भंवरी देवी हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठ नहीं पाई। तारा उन्हें संभालती हुई बोली, नहीं आप उठिए मत, आप लेटे रहिए, आप बहुत जख्मी हैं और बहुत कमजोर भी, आप आराम कीजिए। भंवरी देवी बोली, नहीं उसका वक्त नहीं है, बहुत देर हो जाएगी। तारा ने कहा, कुछ देर नहीं होगी, अब हम सब साथ में है ना, आप भरोसा रखिए। उसके बाद तारा अनन्या से बोली, अनन्या एक काम करो, जल्दी से जाकर पतली सी दाल बना कर ले आओ, हम इन्हें थोड़ी सी दाल पिलाकर देखेंगे, इन्हें कुछ ताकत लगेगी और थोड़ा बेहतर महसूस होगा, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने काफी वक्त से कुछ खाया पिया नहीं है। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत किचन की तरफ भागी। तारा भंवरी देवी के हाथ मुंह को आहिस्ता आहिस्ता पोछती रही ताकि उन्हें कुछ अच्छा महसूस होता रहे। तब तक अनन्या उनके लिए दाल बनाकर ले आई। अनन्या तारा दोनों ने मिलकर थोड़ी सी दाल पिलाई। उन्हें कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो दीवारों का सहारा लेकर बैठ गई और सबके चेहरे को बारी बारी से देखने लगी, जैसे कि वो यकीन करना चाहती हो कि वाकई में वो सुरक्षित जगह पहुंच चुकी है। और फिर बोली, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो रहा है जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है,
ध्रुव देख सकता था कि भंवरी देवी कितनी घबराई हुई है, और ये बहुत दुख की बात थी कि भंवरी देवी जैसी महिला जो इतनी सिद्धियों की जानकार थी, वो अगर इन चीजों से इस तरह घबरा रही थी तो वाकई में मामला बहुत नाजुक था। भंवरी देवी की लाचारी से ध्रुव की आंखें भर आई थी। उसने भंवरी देवी को शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हमारे लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सुरक्षित हैं और हमें मिल गई हैं। हमें तो एहसास तक नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हुआ क्या था? क्योंकि मैंने आपके आजाद होने का पूरा इंतजाम कर दिया था, फिर आप कैसे उनके हाथ लग गई? क्या हुआ हमें बताइए, भंवरी देवी ने बोलना शुरू किया। जैसा कि आपने कहा महागुरु, मेरी मुक्ति का रास्ता आपने बना दिया था और मैं घर से निकल भी गई थी। अनन्या की माँ, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की, लेकिन हम ये भूल गए थे कि वो पूरी जगह माई की माया से भरी हुई है। मैं वहां से तो निकल गई, लेकिन उस गांव की सीमा न लांग सकी। माई के प्रेत चारों तरफ पहरेदार की तरह खड़े थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत हैरानी की बात थी कि मैं उन मामूली प्रेतों से भी सामना करने में सक्षम नहीं थी। मैं इतनी कमजोर थी कि मैं अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता कि मैं काफी वक्त तक कहां बंद थी। एक अंधेरी सी जगह थी, गीली सी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा का बंद हिस्सा हो, और धीरे धीरे करके मुझे लगा मैं अपनी मौत के नजदीक बढ़ रही हूँ। मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी। धीरे धीरे करते मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा शायद वो मेरा अंत है, लेकिन ये मेरी भूल थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसका सामना कर रही थी जिसका मैंने उससे पहले कभी सामना नहीं किया था, जिसने पूरे पाली को आतंकित कर रखा था और मैंने उसका एक अंश धारण कर रखा था। मेरा सामना बंजारन से हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तब हुआ जब उसने अपने अंश को मेरे भीतर से खींचकर निकाला, और अपने अंश के साथ साथ उसने मेरी भी संपूर्ण शक्तियों को सोख लिया और मुझे खोखला कर दिया। इतना कहते हुए भंवरी देवी भावुक हो गई, उनके आंसू उनके गाल पर लुढ़क आए। तारा ने तुरंत उनके आंसुओं को पोंछा और उनका हाथ थामते हुए बोली, आप ऐसा मत सोचिए कि आप खोखली हो गई हैं, बल्कि आपने तो अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। आपकी शक्तियां यहाँ आपके साथ हैं, जिन्हें आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। हम सब आज जहाँ हैं, जो भी कर पाने में सक्षम है, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। उनकी शुरुआत आपके साथ हुई थी, हमारे रहते हुए आप कभी कमजोर नहीं हो सकती। तारा की बात पर अनन्या भी भंवरी देवी के बगल में बैठ गई और बोली, तारा बिल्कुल ठीक कह रही है। भंवरी देवी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ तुम लोगों के होते हुए मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती। जिसके सामने स्वयं महागुरु खड़े हो, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अब तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती, और मेरी सबसे बड़ी हार यही है कि मैं अब तुम लोगों के साथी बनने के योग्य नहीं रही। ध्रुव तुरंत बोला, आप ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप सिर्फ हमारी साथी नहीं है, आप मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक हमेशा सबसे ऊपर होता है। जरूरी नहीं है कि अपनी सिद्धियों की बदौलत ही अगर आप कोई सहायता करे तो वही सहायता होगी। समय पर सही शिक्षा देने वाला व्यक्ति होना अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति की बात है। आप इन सब चीजों की तो जरा भी फिक्र मत कीजिए। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपके घायल अवस्था के पीछे कौन है, आप बस हमें ये बताइए। ध्रुव की बात पर भंवरी देवी कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, सुमेर सिंह ने मुझे इस हालत में पाली से बाहर फेंक दिया था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जंगली जानवरों के बीच। उसे लगा कि शायद मैं मर चुकी हूँ, लेकिन उसकी बदकिस्मती की मेरी सांसें चल रही थी और बड़ी मुश्किल से मैं खुद को घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आई हूँ और आज तुम लोगों के सामने हूँ। ये सुनकर ध्रुव की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बोला, सुमेर सिंह, तुम्हारी सारी गलतियां, सारे अपराध एक तरफ और तुम्हारा ये अपराध एक तरफ, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। पहली बार ध्रुव के दोस्त उसका ये रूप देख रहे थे, उसका ये उग्र रूप, जिसे देखकर एक बार को उसके दोस्तों को भी घबराहट होने लगी थी। एपिसोड 443, छलावा की बौखलाहट। ध्रुव के दोस्त उसका ये रूप देख रहे थे, उसका ये उग्र रूप देखकर एक बार को उसके दोस्तों को भी घबराहट होने लगी थी। विकी ने धीरे से कहा, ध्रुव तू इतना गुस्सा मत हो, तू शांत हो जा। देख, मैं मानता हूँ कि सुमेर ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन इस तरीके से तेरा गुस्सा होना भी तो सही नहीं है ना, और गुस्सा होकर ही तू क्या कर लेगा। ध्रुव बोला, ये गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है विकी कि उसने भंवरी देवी के साथ इतना कुछ किया, ये गुस्सा इस बात का है कि उसका लालच इस हद तक बढ़ चुका है कि वो ये तक नहीं समझने को तैयार है कि अपने लालच की बलि वो किसको चढ़ा रहा है। सुमेर को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सुमेर खतरा है
हर किसी के लिए। कौन जानता है वो कब किसके साथ क्या कर दे। आज अगर हमें भंवरी देवी नहीं मिलती तो हमें पता ही नहीं चलता इनके बारे में कुछ। हम तो यही मान रहे थे कि ये अपनी मर्जी से जब चाहे हमसे मिलती हैं, जब इन्हें लगता है कि हमें इनकी जरूरत है। हम लाख इन्हें ढूंढे, ये हमें नहीं मिलेंगी। और अपने हिसाब से तो मैंने इन्हें आजाद करवा ही दिया था। अगर ये हमें कभी नहीं मिलती तो शायद हम समझ ही नहीं पाते कि इनके साथ क्या हुआ है। भंवरी देवी ध्रुव की बात सुन रही थी और जब ध्रुव चुप हुआ तब उन्होंने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगी। वहां पर मुझे एक चीज महसूस हुई छलावा के बारे में। क्या जो कुछ मुझे पता चला वो सब सच है? तारा ने कहा, जी हाँ, वो सब बिल्कुल सच है। बल्कि दिनों दिन छलावा का झुकाव गलत की तरफ बढ़ता ही चला गया है। हमने उसे एक मौका भी दिया, लेकिन, भंवरी देवी ने कहा, बुराई की यही ताकत होती है कि वो इंसान की सबसे कमजोर नस को पकड़ता है और उसी पर वार करता है, जहाँ से लालच, नफरत सब जन्म लेता है। ये सब बुराई का ही तो हिस्सा है और छलावा भी उसी का शिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छलावा को इन सब से निकाला नहीं जा सकता। भंवरी देवी की इस बात पर विकी बोला, हमें उसे निकालना ही नहीं है। इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या करता है। हमने बहुत कोशिश की, उसे मौके भी दिए, लेकिन उसने हर बार ये साबित कर दिया कि हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई है हर एक कदम पर। आप जानती हैं कि बंजारन को आजाद करवाने में भी सुमेर का साथ छलावा ने दिया है। छलावा ने ध्रुव के रक्त का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, हम सबको भी डरा कर ध्रुव से अलग करने की कोशिश की। भंवरी देवी बोली, मुझे सब पता है, इसीलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ध्रुव ने कहा, आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? भंवरी देवी बोली, पूरे तरीके से दुश्मनों ने छलावा का इस्तेमाल तुम लोगों के खिलाफ किया, अपनी साजिशों का शिकार बनाया। वक्त है कि तुम लोग भी कुछ वैसा करो। अनन्या बोली, कुछ समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहती हैं। हम क्यों किसी को साजिशों का शिकार बनाएंगे? हम तो कोई साजिश कर भी नहीं रहे हैं, और हम छलावा को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका क्या, किसी का भी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। भंवरी देवी बोली, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। ध्रुव बोला, मैं समझाता हूँ भंवरी देवी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो ये कहना चाहती है कि जिस तरीके से पहले उन लोगों ने छलावा को हमसे दूर किया, उसी तरीके से अब हम छलावा को उन सब चीजों से दूर करें। कहने का मतलब ये है कि छलावा को हम अपनी तरफ मिला लें। आप यही कहना चाहती है ना? भंवरी देवी ने कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए पहले उसकी ताकत को उससे दूर करना जरूरी होता है। हालांकि छलावा के साथ वहां पर अन्याय हो रहा है, लेकिन ये बात खुद छलावा भी नहीं समझ रहा है। वहां उसकी जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए छलावा के लिए भी जरूरी है कि उसे वहां से निकाला जाए, और हमारे लिए भी जरूरी है कि दुश्मनों की ताकत को कमजोर किया जाए। ये सब सुन रहा विकी बोला, लेकिन कैसे भला? छलावा हमारी बातों में क्यों आएगा? वो क्यों मानेगा हमारा कहा? हम उसे बोलेंगे कि वो अपने लोगों से दूर हो जाए तो क्या वो दूर हो जाएगा? कभी नहीं। ध्रुव बोला, हमें ये सब करने की नौबत ही नहीं आएगी विकी। जैसा कि मैंने बताया, पूरन जी ने छलावा को बोला है कि वो अपने लोगों को पहचाने, उन्हें परखे। उन्होंने आज रात का वक्त दिया है उसे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज रात पूरन जी के बताए हिसाब से छलावा चलेगा तो सब कुछ उसके सामने खुद साफ हो जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भंवरी देवी ने तुरंत ध्रुव को टोका और बोली, नहीं, इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला है कि किसी ने छलावा से कुछ कहा और छलावा उस चीज को करके अपने लोगों को परखने की कोशिश करे। बहुत मेहनत लगेगी इन सब चीजों में। छलावा का विश्वास जितना पक्का है कि उसे हिलाना इतना आसान नहीं है। ध्रुव बोला, अब ये तो कल ही पता चलेगा आखिर छलावा पूरन जी के बताए रास्ते पर चल पाएगा या नहीं। एक तरफ जहाँ ध्रुव को इंतजार था कि छलावा आज की रात काली ताकतों से मुक्त हो सकता है, वहीं दूसरी ओर छलावा का मन अभी भी बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आखिर में वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि जैसा चेरी ने कहा है, हो सकता है ये सब कुछ उसे मन में वहम के लिए किया गया हो और उसको अपने लोगों पर यकीन करना चाहिए। छलावा हवेली से निकलने लगा था, तभी चेरी ने उसे रोक लिया और चारों तरफ देखकर ये पक्का करने के बाद कि सुमेर आसपास नहीं है, वो छलावा को किनारे ले गई। छलावा हैरानी से चेरी का ये बर्ताव देख रहा था। चेरी बोली, ये सब क्या है छलावा? सुमेर किस आदमी के बारे में बात कर रहा था? तुमने कहा था कि तुम इसलिए यहाँ पुराने घर में रह रहे हो ताकि ये नजदीक है, और तुमने सुमेर को कहा कि तुमने अपने नए वाले घर में उस आदमी को कैद करके रखा है और किसी को शक ना हो इसलिए तुम तुम्हारे पुराने घर आ गए हो। आखिर चल क्या रहा है? छलावा बोला, कुछ नहीं चेरी, सब ठीक है। तुम इन बातों को सोचकर परेशान मत हो, तुम जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। चेरी ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ छलावा कि वो आदमी कौन है।
क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है कि वो आदमी कोई बहुत अहम है, इसीलिए सुमेर ने उसे कैद करके तुम्हारे हवाले किया है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी भाग गया है, या तुम्हारे हाथों लगा ही नहीं है इसलिए तुम सुमेर से झूठ बोल रहे हो? इस बात पर छलावा हैरानी से चेरी की तरफ देखने लगा, क्योंकि अनजाने में ही सही चेरी ने अनुमान बहुत सही लगाया था। छलावा तुरंत इनकार करता हुआ बोला, ऐसा नहीं है कि वो मेरे हाथ नहीं लगा था, वो मेरे हाथ लगा था, बल्कि वो मेरी कैद में ही था काफी वक्त तक। लेकिन इतना कहकर छलावा चुप हो गया और चेरी उसे देखती हुई बोली, लेकिन क्या? लेकिन वो तुम्हें चकमा देकर भाग गया? छलावा इनकार करता हुआ बोला, वो भाग गया ये तो सच है, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भागा या मुझे सच्चाई बताकर भागा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चेरी ने कुछ देर तक छलावा के चेहरे की तरफ देखा और फिर बोली, अब समझ में आया कि तुम उस तरीके से बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे थे, क्यों तुम्हें अपने ही लोगों पर शक होने लगा था। ये जो कोई भी आदमी है उसने तुम्हारे मन में ये शक डाला था, है ना? छलावा बोला, नहीं चेरी, उसने मुझे कुछ दिखाया था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल स्पष्ट था, ऐसा लग रहा था वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, उसके हर हिस्से में मैं अपने आप को महसूस कर रहा था, और उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, बल्कि उसने कहा कि मुझे खुद सच ढूंढना होगा, समझना होगा। चेरी मुस्कुरा उठी और बोली, तुम्हें पता है स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो खुलकर कुछ नहीं बताते, वो आधी बातें आपके दिमाग में बैठाते हैं और बाकी आधी आप पर छोड़ देते हैं, ऐसे पॉइंट पर लाकर आपको छोड़ते हैं जहां आप बेचैन हो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उन सवालों के जवाब के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, और आखिर में वो सवाल आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और आप आगे कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं रहते। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे माइंड में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन प्लांट किया गया है और उसका नतीजा देख लो, तुम सोचते सोचते खुद में कितना उलझ गए हो। इससे पहले कि छलावा कुछ बोलता चेरी आगे बोली, देखो छलावा, मुझे अभी भी नहीं पता कि वो आदमी कौन है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं तुमसे इतना ही कहूंगी कि किसी के भी बहकावे में आकर अपने लोगों के साथ धोखा मत करना, इससे पहले कि सुमेर को पता चले कि वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर भाग गया है, उसे ढूंढो और वापस कैद करो, क्योंकि सुमेर की बातों से मुझे लगा है वो आदमी मामूली नहीं है। छलावा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। घर जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेटने के बाद वो ऊपर छत की तरफ देखता रहा। छलावा को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई खुली आंखों से बेहोश हो, उसे आसपास की किसी भी चीज का कुछ भी एहसास नहीं था, उसे ये भी पता नहीं चला कि धीरे धीरे करके रात निकलती जा रही थी, न छलावा अपनी सोच से निकल पा रहा था न उसे नींद आ रही थी। इसी उधेड़ बुन में सुबह हो गई थी, जब वेंटिलेशन के होल से सूरज की रोशनी सीधा छलावा के चेहरे पर पड़ने लगी तब वह होश में आया और चारों तरफ देखता हुआ बोला, सुबह हो गई, मैं कब से इस तरीके से हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। छलावा उठकर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर नीचे जमीन की तरफ देखने लगा और बोला, ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो कल ही मालूम करना था जैसा कि पूरन जी ने कहा था, और कल मैं कुछ नहीं कर पाया, इसे क्या समझूं मैं, एक मौका जो मैंने गवा दिया अपनी बेवकूफी की वजह से, या एक मौका जिससे मैं किसी के झांसे में आने से बच गया जैसा कि चेरी कह रही थी। छलावा अभी अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। छलावा दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला, इस वक्त कौन आया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। इससे पहले कि छलावा दरवाजा खोलता दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा जोर से, कोई दरवाजा पीट रहा था और तभी उसकी आवाज भी आई, छलावा दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़कर भीतर आ जाऊंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुमेर की थी। सुमेर की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। छलावा हैरान होकर अपने आप से बोला, ये इतनी सुबह यहाँ और इस तरीके से गुस्से में क्यों है, कहीं से पता तो नहीं चल गया। इतना सोचते हुए छलावा अपने आप को सामान्य करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर हैरानी से सुमेर को देखकर बोला, क्या बात है इतनी सुबह सुबह। छलावा इतना बोला ही था कि सुमेर ने उसे धक्का दिया जिससे छलावा गिरते गिरते बचा। सुमेर घर के भीतर आया और बोला, तुम यहाँ इसलिए रह रहे हो ना ताकि किसी को शक ना हो कि वो आदमी तुम्हारे पुराने घर में कैद है और कोई तुम्हारे नए वाले घर पर नजर न रखे। अचानक इस सवाल से छलावा हड़बड़ा गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। सुमेर बोला, बोलो ना छलावा, यही बात है ना। छलावा बोला, जी वो मैं बात यह है कि। उसे इस तरह से हकलाते देख सुमेर बौखलाता हुआ आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर बोला, बात यह है कि तुम इतने बेकार हो कि तुमसे एक काम नहीं होता, तुम किसी भरोसे के लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया अपना भरोसा जीतने के लिए ताकि मैं आगे जाकर तुम्हें बचाने के बारे में सोच सकूं, तुम मुझे ये एहसास दिला सको कि तुम किसी काम के हो, लेकिन तुम तो निहायत ही बेकार हो।
तुमसे एक काम नहीं होता। मैं तुम्हारे नए वाले घर से आ रहा हूँ, वहाँ इंसान तो छोड़ो, इंसान का एहसास तक नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो भाग चुका है और इसीलिए तुम खुद को बचाने के लिए यहाँ आकर रहने लगे हो। यही बात है ना छलावा? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम उस लायक ही नहीं हो जिस पर कोई एहसान किया जा सके। अरे जिसकी खुद की बिरादरी के लोग उसे लोग बिरादरी छोड़ो, जिसकी खुद की माँ ही। इतना बोलते बोलते सुमेर चुप हो गया। छलावा हैरान सा बड़ी बड़ी आंखों से सुमेर की तरफ देखने लगा, जैसे वो इंतजार कर रहा हो सुमेर की बात पूरी होने की। लेकिन सुमेर ने अपनी बात बीच में ही रोक दी थी। छलावा बोला, क्या कहना चाहते हो, अपनी बात खत्म करो। लेकिन सुमेर चुप रहा। छलावा दोबारा बोला, मैं कुछ कह रहा हूँ सुमेर, अपनी बात खत्म करो। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे तुम? जिसकी अपनी माँ क्या? अपनी माँ क्या बोलो? छलावा को इस तरह बौखलाता देख सुमेर एक सेकंड के लिए नॉर्मल हुआ और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगा, जैसे वो छलावा की भावनाओं का मजाक उड़ा रहा हो। और फिर बोला, मैं क्या बोलूं, जाकर पूछ अपनी माँ से। इतना कहकर वो एक बार फिर हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई बहुत ही मजाकिया चुटकुला सुनाया हो और सुमेर अपनी हंसी ना रोक पा रहा हो। और फिर छलावा के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, मुझे वो आदमी किसी भी हालत में चाहिए छलावा। इतना कहकर सुमेर ने एक बार उसके कॉलर को पकड़कर खींचा और फिर उसे पीछे धक्का दे दिया और वहां से चला गया। छलावा सुमेर की इस हरकत से बौखला कर रह गया, साथ ही साथ उसकी बातों से और ज्यादा उलझ कर भी रह गया। एपिसोड 444, छलावा को जरूरत है। सुमेर छलावा का अपमान करके जा चुका था। छलावा बस बौखलाता हुआ जाते हुए सुमेर को देखता रहा। उसके जाने के बाद छलावा कुछ देर तक तो यूं ही खड़ा रहा, फिर अचानक से उसके मुंह से निकला, मैं किसी का खरीदा हुआ गुलाम तो नहीं हूँ। आखिर सुमेर अपने बर्ताव से साबित क्या करना चाहता है? और उसके कहने का मतलब क्या था, जिसकी अपनी माँ ही? क्या समझू मैं इसका मतलब? पहले पूरन जी की बातें कि मुझे मेरे अपनों को, जिन्हें मैं अपना समझता हूँ, परखने की जरूरत है, और अभी सुमेर की बातें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पर चलूं, क्या सही है मेरे लिए। छलावा हताशा से भरा हुआ अपने आप से सवाल कर रहा था कि उसने देखा उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति से बन रही थी। छलावा हैरान सा उस आकृति को देखने लगा। उसके देखते ही देखते वो आकृति छलावा का रूप लेने लगी और बिल्कुल उसके हमशक्ल की तरह उसके सामने खड़ी मुस्कुराने लगी। ये देखकर छलावा हैरानी से बोला, तुम कौन हो? ये तो मैं हूँ, ये चेहरा मेरा है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। उसके सामने खड़ी छलावा की आकृति बोली, मैं भी तुम ही हूँ छलावा, लेकिन मुझे तुमने अपने मन के किसी कोने में इस तरीके से दबा दिया है जहाँ से मैं चाहकर भी इतने वक्त में उठ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी जब तुम्हारा मन बेचैन हुआ है, तुम्हारे मन का हर कोना बौखला रहा है, तब मुझे मौका मिला है तुम्हारे सामने आने का। तुम्हें क्या लगता है छलावा, तुम्हारे लिए क्या सही है? या यूं कहूं कि तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों सही होगा? क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है? छलावा हैरानी से अपने प्रतिरूप को देखकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? छलावा का प्रतिरूप हंसता हुआ बोला, इतने मासूम ना बनो छलावा, वो समय कोई और था जब तुम वाकई में मासूम हुआ करते थे, जब तुम ही सही नहीं हो, ना तुम्हारा चुना हुआ रास्ता सही है, ना तुम्हारी मंजिल सही है, ना तुम्हारे लोग जिन्हें तुम अपना समझते हो वो सही है। तो तुम्हारे लिए कुछ सही कैसे हो सकता है? तुमने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है। कितने मौके दिए तुम्हें ध्रुव ने, दबी आवाज में उसने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आज सुमेर जो तुम्हारे साथ बर्ताव करके गया है, ये उसी का नतीजा है। छलावा इनकार करता हुआ बोला, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सामने मेरी माँ है, मेरी बहन, जो मेरे लिए सोचती है, फिक्र करती है, वो गलत कैसे हो सकते हैं? और उनका साथ देकर मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? छलावा के इतना पूछते ही उस आकृति ने अपना रूप बदलना शुरू किया और देखते ही देखते उसने छलावा के बाबा का रूप ले लिया। अपने बाबा को अपनी आंखों के सामने पाकर छलावा भावुक हो गया और बोला, बाबा आप, लेकिन अभी तो यहाँ मैं खड़ा था। छलावा के बाबा का वो रूप मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे सामने जो खड़ा था छलावा, वो छलावा था जिसे मैंने बनाया था। उस छलावा में मेरा अंश था और छलावा में सब कुछ मेरा था। चाहे उसे देखो या मुझे देखो, बात एक ही है, लेकिन तुम वो नहीं हो जिसे मैंने बनाया। तुम कौन सी माँ और कौन सी बहन की बात कर रहे हो? हम जिस दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, वहां कोई रिश्ता नहीं होता, कोई अपनापन नहीं होता, वहां सिर्फ फायदा होता है या नुकसान होता है, ताकत होती है या कमजोरी होती है, वहां सिर्फ सत्ता चलती है। हर कोई अपने आप को ताकतवर बनाकर साम्राज्य का प्रतिनिधि बनना चाहता है,
चाहे बंजारन हो, सुमेर हो या चेरी हो, इस सच को तो तुम भी जानते हो, लेकिन जानकर भी समझना नहीं चाहते हो, यह अलग बात है। अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो नजर रखो उन पर, धीरे धीरे तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कभी भी देर नहीं होती छलावा, याद रखना, सही कदम उठाने के लिए हर वक्त सही होता है। धीरे धीरे करके वो आकृति बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गई। अब छलावा के सामने कोई नहीं था, वो खाली खाली नजरों से सामने देख रहा था। कुछ देर तक जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिमाग में दोहराने के बाद छलावा मजबूत आवाज में बोला, मुझे सही निर्णय लेना होगा, मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, मुझे जानना होगा मेरा वास्तविक अपना कौन है। पूरन जी की बातों में सच्चाई हो सकती है, मुझे उस सच्चाई तक पहुंचना होगा कि आखिर मुझसे क्या लाभ है इन लोगों को। मुझे नहीं पता मेरे सामने क्या आने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे सामने जो कुछ भी आएगा उसके बाद मेरा फैसला क्या होगा, लेकिन इतना मैं समझ गया हूँ कि मेरा फैसला जो कुछ भी होगा वो सही होगा। मुझे अपने आप को फिर से पाना है, मुझे उस छलावा को जगाना है जो नेक था, जो अपने बाबा का छलावा था। छलावा की आंखों में इस वक्त एक जुनून था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि छलावा ये सब कुछ सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं कह रहा है, बल्कि उसका निर्णय पक्का है। दूसरी तरफ विकी के घर पर अब भंवरी देवी की हालत रात से काफी बेहतर थी। तारा उनके जख्मों पर फिर से मरहम लगा रही थी और ध्रुव विकी के साथ कुछ सामान लाने बाहर गया था। तभी जुल्मी और सजनी हाथ में ताजे फल और सब्जियां लिए आते दिखे। तारा ने कहा, ये क्या है, इतने सारे फल और सब्जियां लेकर कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? जुल्मी बोला, वो तारा जी, ये सब्जियां तो हमारी खेतों के हैं, ताजे ताजे बापू तोड़कर लाए थे, तो हम सोचे यहाँ के लिए भी ले आए, और ये फल, ये तो हम भंवरी देवी जी के लिए लेकर आए हैं। हमको जैसे ही पता चला कि भंवरी देवी जी जख्मी है और कमजोर है, तो हमको लगा कि ताजे फल खाकर वो ताकतवर हो जाएंगी, बिल्कुल हमारी तरह। जुल्मी के इस मासूमियत भरी बातों को सुनकर भंवरी देवी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। भंवरी देवी ने कहा, खुश रहो और हमेशा इसी तरह निश्चल रहो। उसी वक्त ध्रुव और विकी भी लौट आए थे। विकी ने भंवरी देवी की बात सुन ली और बोला, इसकी शक्ल पर मत जाइए, बस शक्ल से ही निश्चल दिखता है, बाकी बहुत बड़ा धूर्त है ये। विकी की बात पर जुल्मी बोला, तुमसे पूछा कोई, जहाँ थे वहीं रहते थोड़ी देर, बीच में बकबक करने की आदत हो गई है तुम्हारी, तुमसे ना हमारी तारीफ सुनी ही नहीं जाती, इतने बड़े धूर्त हो तुम, धूर्त हम नहीं है। और एक बात बताओ, तुम तो हमको धूर्त कह क्यों रहे हो, हम कौन सा तुम्हारा भैंस खोल लिए है? जुल्मी की बात पर विकी बोला, अरे अरे जुल्मी, तू तो भावुक हो गया, अरे मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, मेरे काबुली छोले दिल पर ले गया यार, कभी कभी चिल भी करा कर। उन दोनों की बहस को बीच में रोकते हुए ध्रुव बोला, बस बस बहुत हो गया। उसके बाद ध्रुव ने अपने पॉकेट से एक पाउच निकाला, उसे तारा को देता हुआ बोला, तारा ये भंवरी देवी के लिए मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ, इसमें पेन किलर और घाव सूखने की दवाई है, खाने के बाद ही इन्हें दे देना, इन्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। बाकी भंवरी देवी, आपको कोई मेजर इशू तो नहीं लग रहा है ना, मेरा मतलब कोई बहुत दर्द तो नहीं है, कुछ ऐसा कि आपको लगे हमें आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर है तो हम आपको अभी इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। भंवरी देवी इनकार करती हुई बोली, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, तुम जो दवाई लाए हो उससे काम हो जाएगा, तुम लोग परेशान मत हो, और जुल्मी जो ताजे फल लाए है मेरी कमजोरी दूर करने के लिए, उसे खाकर तो मैं और तंदुरुस्त हो जाऊंगी। इसे सुनकर जुल्मी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने विकी को घूर कर देखा और विकी ने तारीफ भरे अंदाज में कहा, वाह जुल्मी, तू तो बहुत समझदार है, मुझे तो यूं ही लग रहा था तू धूर्त है। जुल्मी विकी को मारने के लिए दौड़ता हुआ बोला, तुम फिर हमको धूर्त बोले? विकी आगे भागने लगा और जुल्मी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। विकी भागता हुआ घर से बाहर निकल गया, जुल्मी लगातार उसे दौड़ा रहा था। जैसे ही घर से निकलकर विकी बगीचे तक पहुंचा, वो किसी से टकराया और दोनों जमीन पर गिर गए। विकी ने देखा वो कोई और नहीं बल्कि छलावा था। छलावा को देखकर विकी को हैरानी हुई, साथ ही उसके पीछे भाग रहे जुल्मी के कदम भी अपने आप थम गए। वो हैरानी से छलावा को देखता हुआ बोला, ये विकी इतना धूर्त धूर्त किया कि धूर्त यहाँ आ ही गया। और फिर अपनी बात को संभालता हुआ बोला, तुम यहाँ? तब तक विकी और छलावा दोनों उठ गए थे और अपने कपड़ों पर लगी हुई धूल मिट्टी झाड़कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। विकी कुछ पूछता इससे पहले छलावा जुल्मी से बोला, मुझे ध्रुव से कुछ काम है, मैं इसलिए आया हूँ। ये सुनकर विकी ने कहा, तुम्हें ध्रुव से क्या काम है? छलावा बोला, ये मैं उसी को बता सकता हूँ, अगर तुम दोनों की इजाजत हो तो मैं उससे मिल सकता हूँ। विकी साफ इनकार करता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, तुझे पहले मुझे बताना होगा कि उससे क्या काम है, अगर मुझे सेटिस्फाइंग लगा और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें उससे मिलने देना चाहिए तो ही मैं उसे तुमसे मिलने दूंगा, वरना नहीं। विकी और छलावा की बातचीत इतनी ऊंची आवाज में हो रही थी कि घर के भीतर भी उनकी आवाज पहुंच गई थी। ध्रुव को हैरानी हुई कि आखिर विकी किससे बहस कर रहा है।
क्योंकि जुल्मी के साथ झगड़े वाला टोन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। ध्रुव हैरानी से आगे बढ़ा और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा उसने देखा विकी छलावा के साथ बहस कर रहा है। छलावा को देखकर वो बोला, अरे छलावा तुम यहाँ, वो भी इस वक्त, क्या बात है, सब ठीक तो है? छलावा बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसीलिए आया हूँ, लेकिन विकी को शायद ये पसंद नहीं, या उसे लगता है कि वो तुमसे बड़ा है, वो जो चाहेगा वही होगा, इसलिए वो मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा है। विकी तुरंत बोला, बात यकीन की है छलावा, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने कहा तुम्हें ध्रुव से मिलना है मैं तुम पर यकीन कर लूंगा, तो इतना यकीन तो तुमने छोड़ा ही नहीं है ना। छलावा विकी को घूरता हुआ बोला, तो तुम्हें इतना ही यकीन है ध्रुव पर कि अगर वो मुझसे अकेले में मिलेगा तो मैं उसका कुछ नुकसान कर दूंगा, वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा, यही डर है ना तुम्हें विकी? मतलब तुम मानते हो कि ध्रुव कमजोर है, तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? विकी गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो छलावा, बात ध्रुव पर यकीन होने या नहीं होने की नहीं है, मुझे भी पता है वो क्या कर सकता है क्या नहीं, बात इतनी सी है कि ध्रुव भोला है, तुम्हारी तरह शातिर नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि तुम फिर से अपनी किसी चाल में उसे फंसा लोगे, उसके मन में सबके लिए दया और करुणा है, वो किसी की भी बातों में आ जाता है, तुमने उसे बार बार धोखा दिया है लेकिन फिर भी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में वो फंस सकता है, ये उसकी कमजोरी नहीं उसकी अच्छाई है, जिसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, उसका दोस्त होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से मैं उसे दूर रखूं। और एक चीज तुम बहुत अच्छे से समझ लो छलावा, कोई भी मुसीबत से मेरा मतलब समझ रहे हो ना, जो ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसे बीच में मैं मिलूंगा। विकी की बात सुनकर छलावा अपने मन में भावुक होता हुआ बोला, यही तो दुख की बात है विकी कि मैंने यही दोस्ती खो दी है, मैंने खो दिया है ऐसा रिश्ता जो किसी भी मुसीबत में आगे खड़ा होता है लेकिन ऊपर से मजबूत बनता हुआ बोला, देखो विकी मैं सिर्फ कुछ जरूरी बात करने आया हूँ और कुछ नहीं, मैं उसे अकेले में भी नहीं बात करना चाहता हूँ, तुम भी वहीं रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें कहीं भी लगे कि मैं कोई चालाकी कर रहा हूँ या धोखा देने आया हूँ तो तुम उसी वक्त मुझे यहाँ से भगा सकते हो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। छलावा की बात को सुनकर पीछे से ध्रुव बोला, विकी आने दे उसे, एक बार उसकी बात तो सुन लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, बिना सुने जज कैसे कर सकते हैं, छलावा तुम अंदर आओ। ध्रुव की बात पर छलावा के कदम आगे बढ़ गए, पीछे खड़ा जुल्मी और विकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जुल्मी बोला, ये फिर से इसकी बातों में आ रहा है। विकी ने कहा, यही तो उसकी सबसे बड़ी, क्या बोलूं मैं, खैर चल देखते हैं इस बार क्या कांड करने आया है। विकी और जुल्मी जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा अंदर भंवरी देवी, तारा, अनन्या, ध्रुव सब छलावा को एकटक देख रहे थे। छलावा ने अपनी बात शुरू की और बोला, देखो ध्रुव मैं बात को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, तुम्हें पूरन जी की कही हुई बातें याद है, उन्होंने जो मुझसे कही थी? ध्रुव बोला, हाँ याद है तो, और मुझे लगता है उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो शायद तुम्हें कल ही करना था। छलावा नजर नीचे करता हुआ बोला, मैं जानता हूँ मुझे कल करना था लेकिन हो नहीं पाया, वजह जो भी थी मैं बाद में बताऊंगा लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। छलावा के इतना कहते ही ध्रुव के अलावा बाकी सब एक साथ बोले, तुम्हें मदद की जरूरत है, वो भी ध्रुव की मदद की? छलावा बारी बारी से उन सब की तरफ देखने लगा। ध्रुव बोला, मदद, कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? छलावा बोला, पहले तो मुझसे वादा करो तुम मुझे मना नहीं करोगे, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। एपिसोड 445, छलावा को किया वश में। छलावा के वादे वाली बात पर ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले विकी सामने आकर खड़ा हो गया और ध्रुव से बोला, मैंने बोला था ना ये भरोसे के लायक नहीं है, देख फिर से ये कोई साजिश रच रहा है, पहले उसको मदद चाहिए, अब पहले वादा करो कि मदद करोगे, ये फंसा रहा है और कुछ नहीं, इसकी बातों में नहीं आना और छलावा तो निकल यहाँ से, हमें तेरी कोई मदद नहीं करनी, वैसे भी हमने यहाँ पर कोई हेल्प केयर सेंटर नहीं खोल रखा है कि हर आने जाने वाले की मदद करे। छलावा तुरंत अपना हाथ जोड़ते हुए बोला, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं मानता हूँ तुम्हारे इस व्यवहार का कारण भी मैं ही हूँ, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी मदद से इनकार मत करो, मुझे बहुत जरूरत है तुम लोगों की, मुझे जरूरत है ध्रुव की। विकी ने कहा, अपनी बकवास बंद कर छलावा, तुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा। विकी की बात सुनकर ध्रुव ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट विकी, पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, देखो मैं मानता हूँ इसकी गलती है, तुम्हारे मन में इसके लिए नाराजगी है, मेरे मन में भी है, हम सबके मन में है, लेकिन अगर कोई आपके दरवाजे पर आया है हाथ जोड़कर विनती कर रहा है तो उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए, अगर अभी हमने उसकी बात नहीं सुनी और वाकई में उसे मदद की जरूरत होगी जो शायद अच्छे के लिए हो,
और हमारी मदद ना करने से अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। ध्रुव की इस बात से तारा और अनन्या भी सहमत थे। तारा ने भी विक्की से कहा, हाँ विक्की, ध्रुव बिल्कुल सच कह रहा है। एक बार बात सुनने में तो कोई नुकसान नहीं है ना, मानना ना मानना तो हमारे ऊपर है, और छलावा हम कोई वादा नहीं करेंगे। तुम्हें मदद चाहिए, अगर हम वो मदद कर पाएंगे तो जरूर करेंगे, लेकिन वादे में बंध कर किसी मजबूरी के तहत नहीं। अगर तुम्हें वाकई में कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। छलावा बोला, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, पूरन जी ने कहा था मुझे मेरे लोगों को परखने के लिए, वो मौका मेरे हाथ से चला गया। दरअसल चेरी लौट आई है। चेरी के लौटने की बात से सबके चेहरे पर हैरानी थी। अनन्या बोली, वो लौट आई है, लेकिन क्यों, वो तो चली गई थी ना। छलावा ने कहा, हाँ लेकिन उसे सुमेर ने बुलाया है, सुमेर ने कहा कि कुछ जरूरी है इसलिए उसका यहाँ आना जरूरी है। हालांकि वो जरूरी बात क्या है ये सुमेर ने अब तक नहीं बताई है। और ध्रुव, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं उस दिन के बारे में कैसे जानता हूँ, पूरन जी को मैं कैसे जानता हूँ, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। मुझे सुमेर ने बताया था पूरन जी के बारे में और कहा था कि एक व्यक्ति जिसके हाथ पर वो चिन्ह है उसे लेकर आना है, लेकिन गांव के बाहर जो मेरा नया घर है वहीं रखना है, गांव के अंदर नहीं लाना है ताकि कोई भी उन्हें देखने ना पाए। मैं उन्हें पकड़ कर ले आया और एक तरह से मैंने उन्हें बांध कर कैद करके रखा हुआ था, जिसके बाद मैं खुद बेचैन हो गया। इतना कहने के बाद शॉर्टकट में उसने वो बातें बताई जो कुछ भी पूरन ने उससे कहा था और दिखाया था। इस बात पर ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, अगर तुम्हें याद हो तो इस तरह की चीज मैं तुम्हें बहुत पहले से कहता आया हूँ छलावा, खैर आगे बोलो। छलावा बोला, मैं कल नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी निर्णय पर पहुंचता उससे पहले चेरी आ गई और फिर सब कुछ इधर उधर हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज सुबह सुमेर आया था मेरे पास, उसे पता चला कि पूरन जी भाग गए हैं, हालांकि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने बातों ही बातों में कुछ चीजें कही और उसके बाद मुझे खुद भी एहसास हुआ, या यूं कह लो कि मेरा अंतर्मन मेरे ही खिलाफ खड़ा हो गया। ध्रुव देखो, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वो गलत था, मैं जिन लोगों का साथ दे रहा हूँ वो सही है या गलत है, मेरे मन में अभी भी कहीं ना कहीं अपनेपन वाली वो भावनाएं हैं, लेकिन सच कहूँ तो अब उन लोगों का साथ देने में मेरा ही मन मुझे कचोट रहा है, मुझे लगता है जैसे ये सही नहीं है। छलावा की बात पर सब चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन विक्की ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, और ये सब कुछ एकदम से हो गया, कल तक तू बिल्कुल अंधों की तरह उनका साथ दे रहा था, हमसे अपनी दुश्मनी का ऐलान कर रहा था, और एकदम से ऐसा सब हो गया कि तू बिल्कुल ही बदल गया, तेरा मन बदल गया, तू हमसे मदद मांगने आ गया, तू सब कुछ सही करना चाहता है, कि कोई वीडियो गेम चल रहा है क्या छलावा, कि अपने हिसाब से गेम में चले गए, सिचुएशन में चले गए, और जब लगा कि अब सही नहीं हो रहा है तो गेम बंद कर दिया, फिर से नया गेम स्टार्ट कर लिया, तुझे ऐसा लगता है क्या, क्या तू हम लोगों को बेवकूफ समझ रहा है, हर बार एक तरह की कहानी बनाकर इमोशनली ब्लैकमेल करके तू हम लोगों को छलने चलाता है, और अगर हम तेरी बात मान भी लें कि तू सही कह रहा है तो किसने तुझे रोका है, किसी ने तुझे बांध कर तो नहीं रखा है, छोड़ दे उन लोगों का साथ, इसमें इतना सोचना क्या। छलावा ने कहा, मेरा यकीन करोगे, मैं आज छलने नहीं आया हूँ, न मेरे कहे हुए शब्दों में कुछ भी झूठ है, तुम लोग जिस तरीके से चाहो मेरा इम्तिहान ले सकते हो, मैं तैयार हूँ अपने आप को सच साबित करने के लिए, मैं सिर्फ यही मदद की उम्मीद लेकर आया हूँ कि ध्रुव मेरी मदद करे सच्चाई तक पहुँचने में, उन लोगों को परखने में, किस तरीके से आखिर मुझे पता चल सकता है ये जानने का रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। कई बार इंसान दूर की मुसीबत तो देख लेता है लेकिन अपने नजदीक की मुसीबतों को नहीं देख पाता है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, अगर मेरे आसपास कुछ है भी तो मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं तुम्हारे सामने बात कर भी रहा हूँ इन चीजों के बारे में, साफ तौर पर जाहिर है कि मुझे पता है कि कुछ गलत है, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे काबू में किया हुआ है, मैं खुद अपने वश में नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि ध्रुव इसमें मेरी मदद करे। छलावा की सारी बात को ध्यान से सुनने के बाद ध्रुव उसके नजदीक आया और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ छलावा। छलावा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, वो आभार व्यक्त करता हुआ बोला, मुझे पता था कोई मुझ पर यकीन करे न करे लेकिन तुम जरूर समझोगे। ध्रुव ने कहा, नहीं छलावा, मुझे तुम्हारे शब्दों पर यकीन नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों में जो भाव दिख रहे हैं मैं उन्हें पढ़ पा रहा हूँ, जिनमें मुझे कोई छल नहीं दिख रहा है इस वक्त। विक्की ध्रुव के कान में बोला, क्या बोल रहा है तू। ध्रुव ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने भंवरी देवी की तरफ देखा, भंवरी देवी ने भी हाँ में सिर हिलाया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें भी छलावा की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। भंवरी देवी छलावा को ध्यान से देखती हुई बोली, अगर ये किसी चीज के खिलाफ जाने की सोच रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है,
सही गलत में अंतर कर पा रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो जैसा कि इसने खुद कहा, किसी ने इसे काबू में किया हुआ है। छलावा बेशक खुद बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन छलावा के ऊपर काला जादू किया गया है, छलावा को वश में किया गया है, उसका आंतरिक वशीकरण किया गया है। ये सुनकर विक्की बोला, आंतरिक वशीकरण क्या होता है? वशीकरण वही होता है ना जो ध्रुव ने किया था बंजारन का, एक आत्मा को काबू में करना, एक शैतानी शक्ति को कहीं बांध देना जहां से वो विनाश ना कर सके। लेकिन ये किस तरह का वशीकरण है, और वो भी एक जिंदा व्यक्ति के साथ? ध्रुव बोला, वशीकरण के भी बहुत से रूप हैं विक्की। जिस तरीके से जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी के अंतर्गत कितने सारे अलग अलग तरीके के जीव जंतु आते हैं, मानव, पशु पक्षी, फूल पत्ती, बहुत से और भी ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बारे में शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। उसी तरीके से पारलौकिक चीजों की भी अलग अलग महत्व और मान्यता है। एक वशीकरण तो पूरी दुनिया में हर किसी को पता है, साइंस की लैंग्वेज जो हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटिज्म, वशीकरण हिप्नोटिज्म ही तो है। एक तरह से देखे तो हिप्नोटाइज करके किसी इंसान को काबू में किया जाता है, उसी तरीके से वशीकरण करके परलौकिक शक्तियों को काबू में किया जाता है। इन लोगों की बात को सुनकर छलावा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। छलावा ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे घबराहट सी हो रही है। ध्रुव बोला, घबराने की बात नहीं है छलावा, बल्कि मुझे अब ध्यान आ रहा है कि मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। भवरी देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मार्ग दिखाया। हमें यह पहले ही सोचना चाहिए था कि आखिर छलावा एकदम से उन लोगों के प्रति इतना झुकता कैसे चला गया। ऐसा तो नहीं था कि छलावा किसी तकलीफ में था या उसे कोई परेशानी थी जिससे उन्होंने उसे निकाला या उसकी मदद की, कुछ दिया या उसके लिए कुछ अच्छा किया जिस वजह से छलावा उनके प्रति झुक गया। ये सब कुछ एकदम से हुआ। शुरू से अगर सोचकर देखो तो यही निष्कर्ष निकलता है कि छलावा को वश में करने के लिए कुछ तो किया गया है। ध्रुव की बात को सुनकर तारा, अनन्या सभी सोचने लगे थे कि आखिर वाकई में इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। तारा एकदम से बोली, एक मिनट, ये सब कुछ कब से शुरू हुआ, तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? ये सब कुछ शुरू हुआ था चेरी के पहली बार पाली आने के बाद, जब चेरी छलावा से मिलने लगी थी, तब से छलावा के भीतर बदलाव आना शुरू हुआ था। मैं गलत कह रही हूँ क्या? छलावा बोला, नहीं तारा, तुम कुछ गलत नहीं कह रही हो। तारा बोली, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि छलावा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो करने वाली चेरी है? अनन्या बोली, हो सकता है, चेरी यहाँ बंजारन को आजाद करना चाहती थी, वो अपने लिए भी ताकत चाहती थी, इन सब का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन बिना छलावा के वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि छलावा ज्यादा शक्तिशाली है। छलावा के पास चेरी के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन छलावा उसकी बातों में आसानी से नहीं आता। छलावा पूरी तरीके से इंसान और इंसानियत की तरफ झुका हुआ था। हम लोगों की दोस्ती में वो इन चीजों से बहुत दूरी था, और जब चेरी को लगा होगा कि वो इतनी आसानी से छलावा को अपनी बातों में नहीं फंसा सकती, अपनी तरफ नहीं कर सकती, तब उसने छलावा के साथ ऐसा कुछ किया। उन लोगों की बात को कब से सुन रहा विक्की बोला, देखो मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रही हो, और ना ही मुझे अभी भी छलावा पर पूरी तरीके से यकीन है। अगर तुम लोगों की बात माने तो उसका ये मतलब निकलता है कि छलावा ने जो कुछ भी किया उसने खुद से नहीं किया, बल्कि किसी ने उससे करवाया है, उसका इस्तेमाल करके यही कहना चाहते हो ना? ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया। विक्की आगे बोला, तो ये एहसास जो उसके मन में अभी जागा है, ये उसके मन में पहले क्यों नहीं आया? इसे पहले क्यों नहीं पता चला कि इसके साथ गलत हो रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है? छलावा ने कहा, मेरे मन में ये सब कुछ अभी भी नहीं आता विक्की। अगर मैं पूरन जी से नहीं मिला होता, उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिखाया, उसके बाद मुझे जो कुछ भी एहसास हुआ, तब से मेरे अंतर मन में ये सब कुछ चल रहा है और मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैंने जो कुछ भी किया वो मैं करना ही नहीं चाहता था। विक्की बोला, जो भी है, लेकिन अब क्या करना है, उसके आगे का सलूशन क्या है, ये बता ध्रुव। ध्रुव ने कहा, फिलहाल इसका कोई सलूशन नहीं है, तब तक जब तक कि ये ना पता चले कि इसके ऊपर ये काला जादू का इस्तेमाल किसने किया है। इतनी देर में जुल्मी पहली बार अपना मुंह खोलते हुए बोला, मतलब पूरा रामायण पढ़ लिए और माता सीता कौन थी ये पता ही नहीं? हमारे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ समझ लिए, जान लिए, लेकिन इसका हल क्या है ये पता ही नहीं, तो क्या मतलब है इतना सब कुछ ज्ञान बघाड़ने का? और अगर इसके ऊपर कोई काला जादू टोना किया है तो तुम लोग मिलकर इसका झाड़ फूक कर दो ना, उस आदमी की क्या जरूरत? जुल्मी की बात से विक्की भी सहमत नजर आ रहा था, लेकिन ध्रुव बोला, नहीं ऐसा नहीं होता। छलावा के ऊपर जो काला जादू किया गया है वो अशुद्ध तंत्र का हिस्सा है। अशुद्ध तंत्र मतलब जो किसी के बुरे के लिए किया जाता है, बुरे भाव से। उसे वही इंसान मुक्त कर सकता है जिसने काला जादू किया है, विक्की ने कहा। इसका मतलब पहले उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें 100% पता नहीं है कि वो चेरी ही है।
उसके बाद उसे कन्विंस करना होगा कि वो अपनी चीज को वापस ले ले। इसका सिर्फ एक यही उपाय है, लेकिन मुझे तो इसमें भी कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिसने वो किया है वो वापस क्यों लेगा? ध्रुव बोला, वो अपने मन से वापस नहीं लेगा विकी, धोखे से उसे इस चीज के लिए तैयार करना होगा। जिस तरीके से उसने छलावा के ऊपर धोखे से ये काला जादू किया है, उसी तरीके से हमें इसे पलटवाना होगा, तभी छलावा इससे मुक्त हो पाएगा। इतना कहकर ध्रुव ने छलावा के सिर पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ सेकंड तक वो उसी तरीके से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर बहुत से भाव आ जा रहे थे और एकदम से ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और बोला, तुम्हारे पास एक चमड़े की पोटली है, उस पोटली में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालकर रखता है। सबसे पहले उस पोटली को अपने पास से हटाओ। छलावा ने कहा, चमड़े की पोटली? लेकिन मेरे पास तो कोई चमड़े की पोटली नहीं है। ध्रुव बोला, है। छलावा जाओ, अपने घर में अपने सामान में ढूंढो, तुम्हारे आसपास ही है वो।